हाय, मैं मोहित, आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्ड्स। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डे सेल लाइव है, और इसी बिग बिलियन डे सेल में कई सारे फ़ोन में हम सभी को तगड़ा डिस्काउंट ऑलरेडी मिलना भी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन ज़्यादातर फ़ोन में हम सभी को वैसा डिस्काउंट नहीं मिला जैसा कि हम लोग उम्मीद कर रहे थे, और कई सारे फ़ोन में तो हम सभी को बिग बिलियन डे सेल से ज़्यादा नॉर्मल सेल में डिस्काउंट मिला था। अगर आप सभी को विश्वास नहीं है तो आप लोग मेरा पुराना वीडियो जाकर देख सकते हो। और ये सिलसिला 2024 तो अभी है, 2023 से चालू है। 2023 में हम सभी को बिग बिलियन डे सेल में भी वैसा डिस्काउंट नहीं मिला था, लेकिन फिर भी मिला था। लेकिन 2024 में हम सभी को एकदम बेकार डिस्काउंट मिला इसी बिग बिलियन डे सेल में। मैं कुछ कंपनी का फ़ोन को छोड़ दूँ तो ज़्यादातर फ़ोन में हम सभी को वैसा डिस्काउंट नहीं मिला जैसा कि हम लोग उम्मीद कर रहे थे। और जहाँ तक मुझे याद है कि बिग बिलियन डे सेल में iPhone 11, iPhone 12 और iPhone 13 COD में मिला था 50,000 रुपये में। लेकिन इस बार iPhone 15 कितने में मिला? 55,000 रुपये में, जबकि पिछले साल iPhone 14 मिला था COD में 52,000 रुपये में। मैं देख रहा हूँ कि अब बिग बिलियन डे सेल का वैसा क्रेज नहीं रहा, और हम सभी को लैपटॉप, टैब, AC, फ्रिज, TV, इलेक्ट्रॉनिक, ये सारी चीज़ों में भी वैसा डिस्काउंट नहीं मिला। काफ़ी सारे लोग मुझसे कमेंट करके ये पूछ रहे हैं, भाई तुम बताओ क्या हम सभी को दिवाली सेल का वेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? क्या दिवाली सेल में हम सभी को ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा बिग बिलियन डे सेल से भी ज़्यादा? तो दोस्तों, आज मैं इसी क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ। साथ में मैं इस वीडियो में ये भी बात करने वाला हूँ कि इस बार दिवाली सेल कब से स्टार्ट हो सकती है, और इसी दिवाली सेल में हम सभी को कौन से कार्ड पर डिस्काउंट मिल सकता है। मैं सारा कुछ बात करने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो दोस्तों, इसलिए अगर आप सभी को दिवाली सेल के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप सभी को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, बस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और आप सभी ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर मैं आप सभी को सेल के बारे में यूट्यूब से पहले इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो आप सभी को टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पर मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो यही तो सोच के इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आईफोन्स की। तो आईफोन्स पे हम सभी को कितना ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है इसी दिवाली सेल में? तो अभी आप लोग इसी बिग बिलियन डे सेल में आईफोन 15 को बाय कर सकते हो कार्ड ऑफर या फिर एक्सचेंज ऑफर वगैरह को लगा के 50,000 से 51,000 रुपये के आसपास। लेकिन दिवाली सेल में सारा ऑफर लगा के ये फ़ोन हम सभी को मिल सकता है 53,000-54,000 रुपये के आसपास। अब सवाल ये आता है कि हम सभी को नॉर्मल फ़ोनों में कितना ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा इसी दिवाली सेल में? तो देखो, बिग बिलियन डे सेल में जितना डिस्काउंट है नॉर्मल फ़ोनों में, उससे 1 से 2,000 रुपये तो कम ही डिस्काउंट मिलेगा इसी बिग बिलियन डे सेल में। मैं आप सभी को एग्जांपल देके समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे कोई बिग बिलियन डे सेल में एक फ़ोन का प्राइस है 20,000 रुपये, तो वही सेम फ़ोन हम सभी को इसी दिवाली सेल में 21,000 या फिर 22,000 रुपये तक देखने को मिल सकता है। और बहुत ऐसा फ़ोन है हम सभी को सभी सेलों में लगभग सेम ही डिस्काउंट मिलता है, तो दिवाली सेल में भी हम सभी को लगभग सेम ही डिस्काउंट मिलेगा। और आप लोग ये भी याद रखना कि हम सभी को दिवाली सेल में कुछ फ़ोनों में बिग बिलियन डे सेल से भी ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, लेकिन ज़्यादातर फ़ोन में हम सभी को ज़्यादा डिस्काउंट बिग बिलियन डे सेल में ही मिलता है, क्योंकि बिग बिलियन डे सेल साल की सबसे बड़ी सेल है। और दूसरी सबसे बड़ी सेल कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी सेल है दिवाली सेल। तो मेरा ओपिनियन यहाँ पर क्या निकल के आता है, क्या आप सभी को इसी बिग बिलियन डे सेल में शॉपिंग करना चाहिए या फिर दोस्तों आप सभी को वेट करना चाहिए दिवाली सेल का? देखो, अगर आप सभी के पास पैसे हैं तो आप लोग दिवाली सेल का वेट मत करो। अगर आप सभी को कुछ भी बाय करना है तो आप लोग इसी बिग बिलियन डे सेल में बाय कर सकते हो। खास करके फोन्स को बाय करना है, लैपटॉप को बाय करना है, AC, TV, फ्रिज या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम को बाय करना है, तो अभी आप सभी के लिए बेस्ट मौका हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि बिग बिलियन डे सेल साल की सबसे बड़ी सेल है, और दूसरी सबसे बड़ी सेल है दिवाली सेल। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के पास अभी पैसे नहीं है, तो पैसे नहीं होंगे तो वे लोग बिग बिलियन डे सेल में कैसे शॉपिंग करेंगे? तो उन लोगों को दिवाली सेल का डेफिनेटली वेट करना चाहिए। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि बहुत लोग दिवाली को शुभ मानते हैं, और तभी हम सभी को धनतेरस भी मिलती है, मतलब कि दिवाली के 2 दिन पहले धनतेरस आती है। इसके अलावा और बहुत सारे लोगों के रीज़न हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सभी के पास पैसे वगैरह हैं, पैसे की कोई भी दिक्कत नहीं, आप लोग शुभ अशुभ कुछ भी नहीं मानते हो, तो आप लोग डेफिनेटली इसी बिग बिलियन डे सेल में शॉपिंग कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि 2024 में दिवाली सेल कब से स्टार्ट होने वाली है? मैं पिछले बार के बारे में बात करूँ तो दिवाली सेल दिवाली के लगभग 10 दिन पहले से स्टार्ट हुई थी। तो देखो, 2024 में दिवाली कब है? 2024 में दिवाली 1 नवंबर को है, तो आप लोग 10 दिन पीछे चले जाओ। तो इस हिसाब से फ्लिपकार्ट पर इस बार दिवाली सेल 21-22 अक्टूबर के आसपास से स्टार्ट हो सकती है। ये डेट एक आध दो दिन आगे पीछे भी हो सकती है, 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो सकती है या फिर 23 अक्टूबर से भी स्टार्ट हो सकती है। लेकिन आप लोग 20 तारीख के आसपास से ही मानो कि इस बार हम सभी को दिवाली सेल 100% मिलने वाली है। डेट 1 या फिर 2 दिन आगे पीछे हो सकता है। मैंने आप सभी को ये भी बोला था कि
इस बार हम सभी को बिग विलन डे सेल 25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में हम सभी को मिलने वाली है, और 100% ऐसा ही हुआ। और बीच में ये भी लीक सामने निकल के आया था कि इस बार बिग विलन डे सेल 30 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। मैंने आप सभी को उसी दिन वीडियो बना के इन्फॉर्म भी किया था कि इस बार हम सभी को बिग विलन डे सेल 30 सितंबर से नहीं 25-26 सितंबर के आसपास से मिलने वाली है, और ठीक वैसा ही हुआ। इस बार हम सभी को बिग विलन डे सेल 26 सितंबर से मिली थी, तो इस बार भी आप लोग मान के चल सकते हो कि दिवाली सेल 20 अक्टूबर के आसपास से 100% आप सभी को मिलने वाली है। बस जैसे कि मैंने आप सभी को बोला कि डेट थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, तो मैंने आप सभी को डेट के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। अब सवाल ये आता है कि इसी दिवाली सेल में कौन से बैंक का कार्ड से डिस्काउंट मिल सकता है। तो देखो, इस सेल में हम सभी को HDFC बैंक का कार्ड से डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी बिग विलन डे सेल लाइव है। तो मेन यहाँ पर तीन ही कार्ड बचा, ICICI बैंक का कार्ड, एक्सिस बैंक का कार्ड और SBI बैंक का कार्ड। जहाँ तक मुझे लगता है कि इस दिवाली सेल में हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि SBI बैंक का डेबिट और SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड से डिस्काउंट मिल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आप सभी को बता दिया कि आप सभी को दिवाली सेल का वेट करना चाहिए या फिर वेट नहीं करना चाहिए, प्लस इस बार दिवाली सेल कब से स्टार्ट होगी, इस सेल में हम सभी को कौन से बैंक का कार्ड से डिस्काउंट मिल सकता है। तो दोस्तों, इसलिए अगर आप सभी को ये वीडियो जरा से भी पसंद, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में सत्या था, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।